साइन कराने के लिए जेल में, जेल के अंदर जो जब नॉमिनेशन लेकर गया तो 6 थी, उसमें सिर्फ 3 करेक्ट करके इन्होंने वापस की। और रात 6:30 बजे में वहाँ से निकला, और उसके हमने 2 फाइल की है मियांवाली में और 1 इधर फाइल की है। उसके अलावा सेक्शन 22 बड़ा क्लियर है इलेक्शन एक्ट का कि 4 महीने पहले इलेक्शन प्रोग्राम के आप चेंज नहीं कर सकते, इलेक्शन कमीशन कोई भी अल्टरेशन नहीं कर सकता किसी भी हलके में, और अगर उसने करनी है तो सेक्शन 39 ये कहता है कि उसको पब्लिश किया जाना ज़रूरी है, ना पब्लिश किया गया ना उसमें कोई एडवर्टीज की गई। और 18 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट उसको सेटिसफाइड कर चुका है हल्का बंदियों को। इसके अलावा हमने खान साहब का ये बताया कि खान साहब का जो 22 दिसंबर 2023 का फैसला सुप्रीम कोर्ट का सैफर केस में जो इजाफी जजमेंट है नोट दिया जस्टिस अतरमनिल्ला साहब ने, उसमें उन्होंने वाजे किया कि इमरान खान एक्स प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का हेड है, उसको आप पॉलिटिकल प्रोसेस से अलहदा नहीं कर सकते। उसने क्रिटिसाइज उसी जजमेंट में किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उसी जजमेंट में क्रिटिसाइज किया गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को नॉकआउट टेक्निकल बुनियादों पे करने के लिए तुले हुए हैं, क्योंकि ये मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, मैदान में मुकाबला करने में हिम्मत ही नहीं है। हम कहते हैं आओ हमारा मुकाबला करो, नवाज शरीफ को छोड़ो, सब फैमिली को ले आओ इस हल्के में, इमरान खान को छोड़ो, इमरान खान के मुकाबले में मैं इलेक्शन लड़ूंगा और नवाज शरीफ के मुकाबले में जीत के दिखाऊंगा, ये पॉपुलरिटी का हाल है। और ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और ये टेक्निकल चीज पे जा रहे हैं, रातों रात चेंज हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये हल्के का चेंज किया गया इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, इलेक्शन शेड्यूल जो है वो पहले जारी किया है, चेंज बाद में किया है, ये भी नहीं कर सकते। जब इलेक्शन प्रोग्राम शेड्यूल जारी हो जाए उसके बाद आप कोई भी तब्दीली नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन की आप खुद चेक करें कि इलेक्शन शेड्यूल के जारी होने के बाद ये जो वेबसाइट पे चेंजिंग जो है वो अपलोड की गई है। अच्छा, 800 पे भी चेक किया, और उसके अलावा हमने वोटर पर्ची जो है वोटर पर्ची के ऊपर NA नहीं लिखा होता, वोटर पर शुमारियाती कोड लिखा हुआ, और शुमारियाती कोड जो इलेक्शन कमीशन ने जो 30 नवंबर को पब्लिकेशन की है ऑफिशियल गजेट, आपने उसको मानना है। कानून ये कहता है कि ऑफिशियल गजेट में करेगा नोटिफाई इलेक्शन कमीशन, वो 30 नवंबर को हो गया, उसी के तहत इलेक्शन होना है। उसके तहत हमारा जो प्रपोजर है आज भी NA 122 का मेंबर है, क्योंकि ये लंदन प्लान का हिस्सा है कि PTI को और इमरान खान को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखना है, क्योंकि लंदन प्लान ये है कि अगर इमरान खान आ गया इलेक्शन प्रोसेस में तो ये जीत नहीं सकते, उन्होंने ये लंदन प्लान का हिस्सा है। और अगर इस तरह किया गया उसको पूरा रजिस्ट भी किया जाएगा, और इंशाल्लाह पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है और इनके साथ पूरा रजिस्ट किया जाएगा, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।